ॐ श्री साई नाथाय नमः गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ श्री साई नाथाय नमः मेरे प्रमोशन की खुशी में आपने इतनी बड़ी पार्टी दी। राहुल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम संजना को अपने साथ इंडिया नहीं ले जा रहे हो। लेकिन सर, इंडिया में अपने ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। संजना साथ चलकर क्या करेगी? हिंदुस्तान देखेगी भाई, और क्या। यू नो राहुल, शी लव्स इंडिया। बट सर, प्लेन में बैठने के नाम से तो संजना की जान निकलती है। आसमान पर उड़ना तो बहुत दूर की बात है सर, संजना जमीन पर तो ठीक तरह से चल नहीं सकती।
क्या देख रहे हैं सर, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट. डिंपल का पैर बीच में आ गया था. संजना संजना जाने तो उसे छोड़ दो, भूल जाओ. जरा एक मिनट इधर आओ. देखो संजना, अब तो मैं भी राहुल के साथ ही हूँ. तुम इंडिया ना ही जाओ तो ही अच्छा है. अरे नहीं 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 संजना, प्लीज प्लीज प्लीज, देखो इतने सारे लोग यहाँ हैं, अच्छा नहीं लगता है. संजना चुप. संजना क्या बचपना है ये. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम प्लेन में बैठ सकती हो. देखो संजना, ये भी सच है कि इससे पहले भी दो बार तुम एयरपोर्ट से वापस आ चुकी हो, है ना. फिर बताओ ये जिद किस लिए. जब से हमारी मंगनी हुई है ना, मैं राहुल से दूर कभी नहीं रही हूँ. संजना लेकिन प्लीज राहुल, अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे ना, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा. संजना मगर कम ऑन राहुल, तुम जानते हो ना कि तुम मेरे बगैर वहाँ पे खुश नहीं रहोगे. नहीं रहोगे. हाँ संजना लेकिन राहुल राहुल राहुल, इससे पहले ये लड़की तुम्हें फांसी पर लटका दे, इसे अपने साथ ले जाओ ले जाओ ले जाओ. ओके. ब्यूटीफुल. लेकिन ये घर तुम मुझे क्यों दिखा रही हो. इसलिए कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ. खुली आंखों से सपने देखना अच्छी बात नहीं है संजना. आई नो राहुल, इस महंगे देश में खुद का एक घर बनाना एक सपना ही है, और शादी करके उस सपने के घर में रहना एक दूसरा सपना. लेकिन मेरी तरह जिस लड़की का कोई नहीं होता ना, ना माँ बाप ना भाई बहन, उसे अपने सपनों को सच करने के लिए खुद ही सोचना पड़ता है. यू नो राहुल, पिछले 3 साल से मैं हर हफ्ते अपनी आधी सैलरी अपने बॉस के यहाँ जमा करती आ रही हूँ. टोटली मेरे पास आज 142,000 फ्रैंक्स है. हेलो, कहाँ खो गए थे. This is a very pleasant surprise. I love you, Sanju. Love you too. I love you. I'm sorry. We are ready for takeoff. The lights will be dim during takeoff. The flight time from Paris to Mumbai is 7 hours 20 minutes. Please fasten your seat belts and refrain from smoking. I hope you enjoy your flight. Thank you. संजना संजना, मैं जानता हूँ प्लेन से जाना कितना मुश्किल काम है. ये लो. अरे 30-40 हज़ार फीट की ऊंचाई पे उड़ना, वो भी बिना किसी सहारे के, मजाक थोड़ी है. सच बताऊं संजना, तुमसे ज्यादा डर मुझे लगता है. हाँ. फोन फोन फोन. हेलो. हाय संजू. राहुल कैसे हो तुम, ठीक से पहुंच गए ना. हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें मिस कर रहा हूँ. काश तुम यहाँ होती संजू, कितना मजा आता. मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है राहुल. तुम्हें गए सिर्फ एक दिन हुआ है और ऐसे लगता है कि एक हफ्ता हो चुका है.
15 दिन कैसे गुजरेंगे? I love you too, Rahul. अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खाना, और सुनो मुझे रोज फोन करना. हाँ, मैं रोज फोन करूंगा. It's my promise, okay? Okay, bye. ऐसे क्या देख रहे हो सौ? देख रहा हूँ कितना प्यार करती हो तुम राहुल से. आप तो जानते हैं सर, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन. वो नहीं होता ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है. ये क्या किया तुमने? जानते हो कितने इम्पोर्टेंट पेपर्स थे? राजे राजे रो, प्लीज प्लीज. माय, अरे अरे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट. क्या कर रही हो? प्लीज जाओ तुम यहाँ से. तुम जाओ. मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा. हाँ, सॉरी सर. क्यों संजना, बहुत खुश नजर आ रही हो. हाँ डिंपल, आज मेरे घर की डील हो गई, कल सुबह एडवांस देने जाना है. ओह रियली, राहुल को बताया तुमने? 4 दिन से उसने फोन कहाँ किया है जो बताती. मुझे तो फिक्र हो रही है डिंपल, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया. इतना उसी का फोन है. हेलो संजना. राहुल कहाँ हो तुम? यही हूँ संजू, लेकिन यहाँ यहाँ कुछ हो गया है संजू. हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हाँ राहुल मैं सुन रही हूँ. डिंपल तेरा टीवी ऑफ करना. राहुल आर यू ओके? हाँ मैं बहुत खुश हूँ संजू, इतना खुश कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था. क्या लिखा था तुम्हारी किस्मत में? निशा से मिलना. है वो संजू, पहली मुलाकात में उसने मेरे होश उड़ा दिए, पागल बना दिया है मुझे. What are you saying, Rahul? I'm sorry, संजू, मैं अब वापस नहीं आ रहा हूँ. मैं उसे छोड़कर आ ही नहीं सकता हूँ संजू, मुझे गलत मत समझना. मैं जिस तरह से निशा के लिए फील कर रहा हूँ ना, उस तरह से मैंने तुम्हारे लिए कभी फील ही नहीं किया संजू. मुझे प्यार हो गया है संजू. तो तुम हिंदुस्तान जाओगी? संजना तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है. एक सलाह दूं, भूल जाओ राहुल को. ओके ओके, डोंट क्राई डोंट क्राई. अच्छा एक बात बताओ, तुम हिंदुस्तान जाओगी कैसे? वहां ट्रेन तो जाती नहीं. आई नो सर, जिस रास्ते पर मैं कभी चलना नहीं चाहती थी, अब उस रास्ते पर चलने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है. बट नो प्रॉब्लम सर, राहुल को वापस लाने के लिए मुझे प्लेन से भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगी. ओके सर, मैं चलती हूँ. हे भगवान, इस मासूम बच्चे का प्यार इसे दिला देना और इतनी हिम्मत देना इसे ये प्लेन में बैठ सके. एक्सक्यूज मी सर. No problem. Thank you. Excuse me, ma'am. Thank you. आप वही है ना जिनकी वजह से कुछ दिन पहले हमें अपना प्लेन रनवे से वापस ले जाना पड़ा था? मैं? हाँ हाँ. What, sorry? आप मुझे कोई तो सीट दे सकती हैं? जब मैंने आपसे स्मोकिंग जोन की सीट मांगी थी तो फिर मुझे मिली क्यों नहीं? So please try to understand. Our flight is full. No, I don't want to understand. You try. We will adjust you after the takeoff, sir. सर प्लीज अभी आप अपनी सीट पे जाके बैठिए. Where is my seat? This way, please. स्मोकिंग जोन की सीट नहीं मिली, सब तेरी वजह से. क्यों मार रहे हो यार? तो देखो ना यार, फालतू में मार के है. Oh my God. Oh my
माय गॉड, ओह माय गॉड, इंडिया रे इंडिया, वेरी गुड इंडिया वाले, वेरी बैड मेरा राहुल, वेरी गुड उसकी गर्लफ्रेंड, वेरी बैड वो एक्चुअली प्लेन में पहली बार बैठ रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम। तुम्हें क्या लगता है ये प्लेन उड़ते ही क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे? अगर ऐसा हुआ ना मैडम, तो यकीन मानो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये क्या हो रहा है यार, डरे हुए को और डरा रहे हो, कैसे आदमी हो तुम? ऐसा ही हूँ मैं, और अगर इतना ही डर लगता है तो प्लेन में बैठने की जरूरत क्या थी? मैं यहाँ अपने शौक से नहीं बैठी हूँ, मजबूरी है। वो मेरा फियांसे है ना राहुल, उसे इंडिया में किसी लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है, उसे ही वापस लेने जा रही हूँ। ओह माय गॉड, तुम मेरी तरफ इस तरह घूर घूर के देखना बंद करोगे प्लीज? नहीं, मैं सोच रहा हूँ देखने में तुम ठीक ठाक हो, बल्कि अच्छी खासी लगती हो। फिर तुम्हारे मंगेतर तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? वो मुझे छोड़ के चला नहीं गया, वो तुम्हारी इंडिया वाली है ना। Can I tell you a fact? इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं ना, वो सब के सब राहुल की गर्लफ्रेंड की तरह हैं। तुम्हारे मंगेतर के चले जाने की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? दूसरी वजह? मेरा मतलब है शादी से पहले कुछ। Hey, mister, mind your language, okay? समझते क्या हो अपने आप को? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? मंगनी की है वो अलग बात है, लेकिन मैंने कभी राहुल को अपने पास तक आने नहीं दिया। हाँ क्या हुआ? नहीं, हाँ मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि तुम किस तरह की लड़की हो। किस तरह की लड़की हूँ? किस तरह की लड़की हूँ? ये तुमने से मॉडर्न ड्रेस, हाथ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, सुनो। ये तुमने से मॉडर्न ड्रेस पहन रखा है, बाकी तुम्हारे ख्यालात बहुत पुराने हैं। मेरे ख्यालात पुराने हैं। और नहीं तो क्या, मंगनी की ना तुमने राहुल से? हाँ की तो। मंगनी की ना तो, और उसे अब तक अपने पास आने नहीं दिया तो क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं, वो भी बेचारा इंसान है, वो कहाँ जाएगा? What nonsense? अरे गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है, और तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ वापस लौट जाओ, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मिलने वाला तुम्हें, वापस लौट जाओ। तुम राहुल को नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, और हमारे बारे में बके ही जा रहे हो, बके ही जा रहे हो। ऐसा ही हूँ मैं, वैसे नजारा अच्छा है। अरे टेक ऑफ हो गया। एक्सक्यूज मी, आई विल हैव थैंक्स। ओह आई एम सॉरी, आई स्टिल सो सॉरी। व्हाट्स दिस? अंदर कुछ छुपाया तुमने? अंदर कुछ छुपाया तुमने? इसने कुछ छुपाया अंदर? क्या था अंदर कुछ छुपाया? क्या था, पिस्तौल थी या बॉम्ब था? चेहरे से तो आतंकवादी ही लगता है ये। शेखर पैरिस आया था किसी और काम के लिए, हो गया कोई और काम, जियो। आई लव यू। जो के पढ़ रही तू, ये तारे काम की ना है। अच्छा जी सुनो, थोड़ी देर पहले जो तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, वो इसलिए कि टेक ऑफ के वक्त मुझे डर ना लगे, या तुम सीरियस थे? तुम्हें क्या लगता है? यही कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। ठीक है, ऐसे ही समझो। तुम कुछ अजीब नहीं हो? ऐसा ही हूं मैं। वैसे तुम राहुल से प्यार बहुत करती हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा? इतना डरने के बावजूद तुम प्लेन में बैठकर राहुल से मिलने जा रही हो, ये प्यार नहीं तो और क्या है? शायद इसी को प्यार कहते हैं, पर यू नो राहुल एंड आई, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं माँ की बात नहीं कर रही, माँ से तो वो लोग भी प्यार करते हैं जो माँ से नफरत करते हैं। मैं दूसरे प्यार की बात कर रही हूँ।
अच्छा अच्छा नहीं क्यों प्यार जैसी फालतू चीज के लिए वक्त नहीं है मेरे पास मौज मस्ती बहुत की है मैंने ओह माय गॉड ये लो ये क्या है This is your captain speaking. We are experiencing a major turbulence, but there is nothing to worry about. साला खुद डर रहा है और हमको बोल रहा है डोंट पैनिक डोंट पैनिक ऊपर जमीन नीचे आसमां बीच में अटकी अपनी जान महंगा पड़ गया हमको ये सफर क्या होगा आगे अब किसको किस बात का
बोला क्यों बोले ये क्या किया तुमने ये क्या किया एक शरीफ आदमी की टूटी हुई कमर को और तोड़ दिया अरे कितने पट्टे बांधेगा वो चुप अरे इसे मत डांटिए इन्होंने तो कमाल कर दिया जो 15 साल में डॉक्टर नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया मैडम आपने कमाल कर दिया 15 साल पुराना ये फांसी का फंदा आपने मेरे गले से हटा दिया मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा थैंक यू मैडम थैंक यू अरे थैंक यू टू Yes, please. Khan. Inspector Khan. You may go, sir. अब सुनो तुम हॉलिडे होम जा रही हो ना क्यों नहीं मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ तो मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ओके चलो तुम बाहर रुको मैं अपना सामान लेके आता हूँ ओके मैंने कहा आधा वर्ष है अरे खा साहब आप यहाँ तुम्हें पकड़ने आया हूँ जी अरे मजाक कर रहा हूँ भाई तुम डर बहुत जल्दी जाते हो ऐसा ही हूँ मैं जैसे भी हो अच्छे लग रहे हो फॉरन वॉरन घूम रहे हो सुना है वहाँ कुछ म्यूजिक शो वगैरह में गए थे जी हाँ तुम उसमें क्या कर रहे थे बांसुरी बजाने गया था बांसुरी बांसुरी ही बजा रहे थे ना किसी का बैंड वैंड तो नहीं बजा दिया वहाँ अब खास साहब मैं पुलिस में तो हूँ नहीं जो किसी का बैंड बजा सकूँ काफ़ी हाजिर जवाब हो स्कूल में काफ़ी गैर हाजिर रह चुका हूँ ना इसलिए बहुत अच्छे सर गाड़ी निकालता हूँ प्लीज यस सर आइए चलिए खास साहब चलता हूँ भाई जल्दी क्या है इतने दिन बाद मिले हो यार चलो घर चलते हैं चाय वाय पीते हैं खास साहब आज नहीं फिर कभी आज जरा काम है काम क्या काम अब इतना भी जरूरी काम नहीं है कि आज आपके साथ चाय नहीं पी सकूं चलिए चलो चलो भाई आपके समझाने के बाद मैं बैंड बजाना छोड़ चुका हूं लेकिन फिर भी आपको मुझ पे शक है शक नहीं तो किसने कहा तो फिर आप मेरे बैग की तलाशी क्यों ले रहे हैं तलाशी कौन ले रहा है मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ फौरन से तुम मेरे लिए तोहफा क्या लाए हो जो तोहफा आपको चाहिए वो इसमें नहीं है वो कहाँ है खान साहब आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं मैं तुम्हें मुसीबत से बचाना चाहता हूँ इसलिए कि एक दिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी मैं नहीं चाहता कि उस एहसान का बदला किसी दिन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करके चुकाना पड़े फिक्र मत कीजिए खान साहब मैं कभी आपके हाथ नहीं आऊंगा बहुत अच्छे अब मेरा मतलब है कि मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं सचमुच सुधर चुका हूँ खान साहब सुधर चुके हो तो बड़ी खुशी की बात है वरना तुम जानते हो कानून का दोस्त मेरा दोस्त कानून का दुश्मन मेरा दुश्मन चने खाओगे
Yes, ma'am. Can I help Mr. you? Mr. Rahul's room number, please. Sure. Rahul Bajaj. Rahul. Sorry, ma'am. यहाँ instructions हैं कि उन्हें disturb नहीं किया जाए. Look, Rahul is my fiance. वो मेरा मंगेतर है. Then also, ma'am, I'm very sorry. What do you mean by sorry? आपको पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? Paris से. और वो भी plane में बैठकर. 7 घंटे 20 मिनट का सफर करके जिंदगी और मौत से लड़ते हुए सिर्फ अपने मंगेतर से मिलने आ रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं मैडम ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने गेस्ट की प्राइवेसी का पूरी तरह ख्याल रखें अब अगर वो खुद ही अपनी मंगेतर से प्राइवेसी चाहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ओके हेलो Yes? मैंने अभी अभी आपको 100 रुपए का नोट दिया है हाँ और वो मैंने अपनी जेब में रख लिया वैसे और कोई मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा हेलो रिसेप्शन कुछ नहीं है पर्स में एकदम लुकी है क्या What? Nothing, nothing. Nice purse. आली पीली. Welcome, India. Bye bye. Hello. Hello. दिखता है ये होटल में आपको रूम नहीं मिला आप बोलेगा तो आपके वास्ते आप उन दूसरे होटल में बंदोबस्त कर सकता है इससे पन अच्छा इससे पन सस्ता नो थैंक यू नहीं नहीं आप अपन के साथ अभी चलिए डोंट टच माय लगेज मैंने कहा ना मुझे रूम वूम नहीं चाहिए मैं यहाँ अपने मंगेतर का वेट कर रही हूँ और अगर राहुल ने तुम्हें मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव करते हुए देख लिया ना तो वो तो तुम्हें सब कुछ मार डालेगा क्या हो गया मैडम वॉट हैपेंड सर कांट यू सी लुक आफ्टर द गर्ल अरे जॉन तू यहां अपुन का एक फ्रेंड आया ना उसको छोड़ने आया मैं हे 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 राहुल तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें होश में ला रहा था तुम्हारा कमरा कहां है कमरा मेरा कमरा उस पिंक ड्रेस वाली ने छीन लिया क्या है भाई साहब चलिए जाइए 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 प्लीज जाइए जाइए थैंक यू क्या हुआ मेरा सामान नहीं है सामान नहीं है क्या बकवास कर रही हो तुम ये कहीं योगा कहा जा सकता है ढूंढो तुम भी ढूंढो सोफे के नीचे क्या देख रहे हो चाबी नहीं सूटकेस है क्या हुआ मैडम मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ आप क्या खास मदद करेंगे इस लड़की का सारा सामान गायब हो गया है ये होटल है ये चोरों का अड्डा और इसने मुझे राहुल का रूम नंबर भी नहीं बताया राहुल को मारो गोली सामान का सोचो सामान का हे, हे, सामान तो मेरा है ना तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है लेकिन उसके अंदर क्या है उसके अंदर हाँ क्या है उसके अंदर बदनामी तो हम लोगों की है सामान तुम्हारा है लेकिन देश तो हमारा है देखो देखो बैठो आराम से बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो तुमने सामान कहाँ रखा था मैं यहाँ पे बैठी थी और सामान यहीं पे था फिर राहुल उस पिंक ड्रेस वाली के साथ वहां से आया तुम्हें बताओ उसने उसे कैसे पकड़ रखा था मैं तुम्हारी लव स्टोरी बाद में सुनूंगा पहले सामान का है सामान ओह माय गॉड क्या हुआ लगता है ये काम उसी बास्टर्ड का है किस बास्टर्ड का जिसने मुझे रूम दिलाने की जिद की थी ना नाउ आई एम श्योर ऑल मेन आर बास्टर्ड सारे मर्द बास्टर्ड्स होते हैं
अच्छा वो जो आदमी था वो भी बास्टर्ड था। मैं पूछ रहा हूँ उसने 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 ग्रे कलर का सूट पहन रखा था। हाँ काली शर्ट थी। हाँ यस चलो मेरे साथ। तुम उस बास्टर्ड को जानते हो? अच्छी तरह जरूर जानते होंगे, सारे बास्टर्ड एक दूसरे को जानते हैं। ये भी एक बास्टर्ड है। यू बास्टर्ड। मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। इसकी बीवी ऐसी लाल गाड़ी के नीचे दबके मर गई थी। जब से पागल हो गया बेचारा, जब भी कोई लाल गाड़ी देखता है उसके पीछे ऐसे ही भागता है। अरे मेरी गाड़ी, पुलिस पुलिस। ये क्या? ए, भागना नहीं, रुक जाओ, गोली मार दूंगा। चले जिसे तुम होटल में छोड़ आए थे ना उसे मैं ले आया हूँ। हेलो कैसी हैं आप होटल में? ए, मेरा बैग क्यों फेंका? सॉरी सॉरी आप होटल में अचानक बेहोश हो गई। अपन डॉक्टर ने कहा था आया तो आप नहीं थी। सर मेरा पासपोर्ट है। हाँ सुनो 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 इसे पूछो मेरा सामान मेरे पैसे कहाँ हैं? नहीं नहीं कहाँ है? पैसा तो उधार वाला ले लिया सब और सूटकेस और कपड़ा बेच दिया मैं। Oh my God! I am. Oh my God! I am sorry, madam. I'm sorry. Oh my God! I'm so sorry. No problem. I'm so sorry. No problem. आपका मिस्टेक नहीं है, मैं जिसको गलत जगह पे डाल दिया। चाय लेगा तुम? No thank you. लीजिए ली। नहीं नहीं आप पीजिए ना। आप तो पी नहीं सकता। अपुन के समझ में नहीं आता कि क्या ढूंढ रहा है ये। शेखर क्या कर रहे हैं तू? उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कर रहा है तू? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। अपुन बोला उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो देखो मारना मत बस सिर्फ मेरे सामान के बारे में। इस हैंडबैग में एक पौधा था, उसे कहाँ बेचा? पौधा पौधा व्हाट पौधा? प्लांट प्लांट प्लांट। उसको कौन खरीदेगा? वो रखेला उधर। तुमने अपना ये पौधा मेरी बैग में रखा क्यों? मेरे बैग का ताला खराब था तो सोचा तुम्हारे बैग में रख दूंगा, बाद में ले लूंगा। ओ, तो तुम यहाँ अपना पौधा ढूंढने आए थे? आखिर इसमें ऐसा है क्या जो तुमने उस चोर से मेरे सामान के बजाय तुम्हारे इस मामूली से पौधे के बारे में पूछा? खबरदार, ये एक मामूली नहीं बहुत कीमती पौधा है। ये मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। खुशी? आई डोंट केयर। मुझे इससे क्या, मेरा सामान तो गया ना। तो तुम्हारा सामान मैंने चोरी किया, एक तो तुम्हारी मदद करो। मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जब से मुझे मिले हो मैं सिर्फ मुसीबत में हूँ। ओह तुम मुसीबत में हो अपने उस मंगेतर की वजह से जो तुम्हें छोड़। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ हाँ जाओ। छोड़ दे।
एक्सक्यूज मी. हेलो. हेलो सर. हाँ संजना, कैसी हो तुम? ठीक तरह से पहुंच गई ना बेटी? हाँ सर, मैं पहुंच तो गई हूँ. अरे तुम रो रही हो? नहीं सर, बस थोड़ी परेशान हूँ. थोड़ी नहीं, बहुत परेशान हूँ. राहुल उस लड़की के साथ मजे कर रहा है और मैं सड़कों पर भूखी प्यासी भटक रही हूँ. एक्सक्यूज मी, देखो देखो संजना, संजना देखो, सुनो बेटा, देखो तुम रो मत. अब क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं होटल में एक कमरा ले सकूँ. क्या? लेकिन पैसे तो तुम यहाँ से. हाँ सर, लेके तो आई थी, लेकिन सर यहाँ पे बहुत चोर है. मेरा सारा सामान, सारे पैसे, सब कुछ चोरी हो गया. देखो बेटी तुम फिक्र मत करो, ठीक है मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन तुम्हारी जरूरत की हर चीज 2 घंटे के अंदर तुम तक पहुँचा सकता हूँ. बताओ कहाँ भेजूँ पैसे? एक बार मैं राहुल से मिलूँ सर, फिर मैं आपको फोन करके बता दूंगी. बेटी मैं तो कहता हूँ तुम वापस आ जाओ. नहीं सर, मैं राहुल के बिना वापस नहीं आऊंगी. उसे मुझे उसी तरह से प्यार करना होगा जैसे वो पहले करता था. मैं उसे याद दिलाऊंगी सर कि हम लोग कितने खुश थे. नहीं सर, मैं रो नहीं रही. मुझे फोन रखना होगा, बिल बढ़ रहा है. ये रही आपके टिकट्स. थैंक यू. यू वेलकम. स्वीटहार्ट, तुमने अचानक ये पालम बीच जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? ये रही आपकी रिसीट्स. स्वीटहार्ट, पालम बीच ऐसी जगह है जिसे देखकर तुम अपना पेरिस भूल जाओगे. ओह इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो रोमांटिक. दूर दूर तक समुंदर है, उसके पास बीच है, उस बीच पर तुम होगे और तुम्हारे साथ मैं, समझे? बहुत अच्छे आज हाथ में आए हो बच्चे. अपू तो खाली सूट के देख रहा था. बहुत अच्छे. हाँ बहुत अच्छा है. किधर से खरीदा? थैंक यू साहब. सच बोलता है साहब, अपुन फर्स्ट टाइम इधर आयला है. अच्छा, तो कल यहाँ जिस लड़की का सामान चोरी हुआ था वो तुम्हारे किसी साथी ने चुराया था? कौन सा सामान, कौन सा छोकरी? आप क्या बोलता साहब, अपुन का कुछ समझ में नहीं आता. लो थोड़े चने खाओ, सब समझ में आ जाएगा. अभी ऐसा हालत में कैसा खाएगा साहब? लाइए साहब. हेलो मैडम, वेलकम बैक. इट्स अमेजिंग, तुम अपने चेहरे पर ये झूठी मुस्कुराहट लाकर इतना मीठा कैसे बोल लेते हो? ये तुम्हारी आदत है या बचपन से कमीने हो? जैसा आप ठीक समझे मैडम. सी सेम स्माइल, गॉड. देखो मुझसे बात करते वक्त तुम्हारे ये जो दांत है ना, वो छुपा के रखो, क्योंकि जब भी तुम मुझे दांत दिखाते हो ना, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें एक जोरदार पंच मारूं और तुम्हारे सारे के सारे दांत तोड़ दूं. देखिए मैडम, यहाँ इस तरह तमाशा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके मंगेतर और उनके दोस्त अब हमारे गेस्ट नहीं रहे, वो हमारा होटल छोड़ के जा चुके हैं. कहाँ गए वो? पालम, हमारे पालम बीच वाले रिसोर्ट में गए हैं. फ्लाइट तो अब तक निकल चुकी होगी, लेकिन 1 बजे ट्रेन जाती है. अगर आप चाहें तो आपके लिए स्टेशन तक के लिए टैक्सी मंगवा सकता हूँ. That's better. देखो अब मैं अपना सब्र खो रहा हूं. अगर छोटी मछली को अपनी जान बचानी है तो उसे मछुआरे को यह तो बताना ही पड़ेगा कि बड़ी मछली कहाँ है. अब,
एक बड़ा मछली अभी अभी बाहर से आया साहब। गुड, थोड़ा खुलकर बताओगे तो अच्छा रहेगा। वो आपका फ्रेंड है ना शेखर, पेरिस से बहुत कीमती हीरो का हार चुरा के लाया वो, उसको पकड़ना पन मुश्किल नहीं साहब, आपके पीछे खड़ा वो देखो। बता दो, बोल। पालम, पालम। गुड। शेखर, शेखर, राम सिंह गाड़ी लाओ। अच्छे सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कल तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की को अकेला मुसीबत में छोड़ना शराफत नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मदद करने चला आया। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और अगर होती भी ना तो वो तुम आखिरी आदमी हो जिससे मैं मदद मांगती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं जान गई हूँ कि तुम क्या हो। क्या? तुम कहते हो कि मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, और जब कार का मालिक पीछे भागता है तो तुम उसे पागल कहते हो। हाँ, पुलिस के सामने चोरों की तरह हाथ ऊपर कर लेते हो, और जब मैं देखती हूँ तो यूँ एक्सरसाइज करने लगते हो। ओ, 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 मैडम, क्या मतलब है तुम्हारा? चोर हूँ मैं? और तुम्हारे पास है क्या जो मैं चोरी करूँगा? यही तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसा आदमी अपना सारा काम छोड़कर मेरी मदद क्यों करना चाहता है। ऐसा ही हूँ मैं। What? वो उस दिन तुमने प्लेन में कहा था कि सारे हिंदुस्तानी राहुल की गर्लफ्रेंड की तरह हैं, और फिर वो होटल में ऑल मेन आर बास्टर्ड्स। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हें यह साबित करना चाहता हूँ कि ना तो सारे हिंदुस्तानी राहुल की गर्लफ्रेंड की तरह हैं, और ना ही सारे मर्द बास्टर्ड्स। पुलिस नहीं आ, फिर भी एक्सरसाइज कर रहा हूं, आदत है मेरी। तू रोहित है ना? जी नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी पीठ पे बहुत दर्द है। तबीयत खराब करने के लिए यही स्टेशन मिला था? What? नहीं, मेरा मतलब है तुम ट्रेन से क्यों उतर गई? वो मैं ट्रेन में बैठती हूँ ना और तबीयत खराब हो जाती है। राहुल से मिलना है कि नहीं मिलना? तो ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है, चलो 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 चलो। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, बैग तो देती जाओ। बैग याद आ गया, तुम निर्मल हो ना? जी नहीं।
नहीं वो मैं जरा उठे जा उठे मैं जरा बोला ना उधर जा पहचानता तो हूं मैं इस बदमाश को लेकिन याद नहीं आ रहा ट्रेन चली गई हाँ मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है नहीं रुकी मैंने ये भी कहा कि तुम्हें राहुल से मिलना है चली गई ओह माय गॉड आई एम डाइंग मुझे चक्कर आ रहे हैं हाँ तू शेखर है चलो आई एम डाइंग चले तू क्या समझा था शेखर बाबू मैंने तेरे को पछाड़ा नहीं अरे मैं अभी जाकर देता हूं तेरी खबर क्या हुआ I'm feeling better. अगली ट्रेन कब की है 6 बजे क्या लेकिन अभी तो 6:15 बजे लेट है क्या कल सुबह 6 बजे oh, no. तुम जैसी पागल और बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो अपनी खोई हुई चीज वापस पाने के लिए इतनी दूर चली आई और इतनी परेशान है लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ देखो देखो मारना नहीं पहले मेरी बात सुनो पहले मेरी बात तो सुनो देखो बहुत हो गया वरना मैं ये बचपन से मेरे साथ ऐसे ही बॉक्सिंग करते थे बड़े भैया हैं मेरे नमस्ते हेलो बड़ी भैया गांव है मेरा पुत्र आ गया तू शेखर भाभी क्यों रे भाभी मेरा कान निकल जाएगा ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर और तू आ जा रहा है 3 महीनों बाद अरे भाभी मैं थोड़ा काम में उलझा हुआ था ओ ये लड़की कौन है अरे भाभी मेरी दोस्त है लड़कियों से कब से दोस्ती करने लगे तू क्या भाभी आप भी मैं तो से तुम खाम खा फिकर कर रही थी मैंने कहता था अपनी छुटकी की मंगनी से पहले जरूर आ जाएगा आ गया ना ओ बेटा ये मेहमान कौन है हमारे शेखर की दोस्त दोस्त छुटकी नजर नहीं आ रही तेरे शेखर छुटकी यहाँ है ए, नाराज है ना मुझसे हाँ गलती तो मैंने की है अच्छा बाबा कान पकड़ता हूँ माफ कर दे मुझे अरे तू रो रही है कितनी चिट्ठियां लिखी तुम्हें पता है बड़े भैया 2 बार शहशाह करा गए लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला क्या करो छुटकी ऐसा ही होना अगर आज भी तुम नहीं आते ना तो पूछ लो माँ से मैंने तो साफ साफ कह दिया था मैं कल मंगनी नहीं करूंगी मंगनी नहीं करूंगी अरे ऐसा हो सकता है कि मेरी छुटकी की मंगनी और मैं नहीं आता अब देखना कितने धूमधाम से होती है कल तेरी मंगनी अच्छा तुम बैठो भैया मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती जा ए, तुझे क्या हुआ कुछ नहीं तू रो रहा है एक ही तो बहन है वो भी शादी करके चली जाएगी तो क्या रह जाएगा इस घर में अरे बुद्धू
ये तो दुनिया का रिवाज है। क्यों, मैं अपना घर छोड़कर नहीं चली आई यहाँ? अब तुम भी लेक्चर मत दो भाभी, रिवाज है। 20 साल जो बहन साथ रही, एक ही दिन में पराई हो जाएगी, बड़ा रिवाज है। आओ संजना, आहिस्ता आहिस्ता उठो। ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भाभी। हाँ देखो, ये तुम्हारा कमरा है, सफर से बहुत थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो के आराम कर लो। ठीक है भाभी, लेकिन आप ये मेरा बैग संभाल के रखिए। आओ बाथरूम उस तरफ है। अब तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तो फिर जा ना, कल बहन की मंगनी है ना, अपना हुलिया तो जरा दुरुस्त कर ले। बाऊजी, सुना है कि शहर के अंग्रेजी सलून में बिना साबुन के तोते उड़ा देते हैं। तोते उड़ा देते हैं? अजी सेव बना देते हैं दाढ़ी, और कमाई बड़ी होती है जी, वाकई खर्चे भी बहुत होते हैं। तो कमाई होती है तो खर्च होते हैं ना, यहाँ कमाई तो है नहीं, तोते उड़ते रहते हैं। तुम क्यों नहीं खेल रहे? नहीं दीदी, मुझे नहीं खेलना, मैं यहीं पे ठीक हूँ। चलो ना पप्पू, देखो ना कितना मजा आ रहा है। अरे नहीं संजना, रहने दो, वो नहीं खेलेगा, तुम लोग खेलो। अच्छा ठीक है, ओके माय टर्न माय टर्न माय टर्न माय टर्न। जनाब एक बात कहूँ, अगर आप अपने साथ मुझे सैर ले जाएं और एक सलून खुलवा देना, तो फिर सारे बम्बई के तोते ही उड़ाएंगे। आए हाय हाय, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, आधा आपका आधा हमारा। क्यों दाढ़ी बना? अबे काम है बढ़ाते हैं। तो मैं कह रहा था भाई, ऐसे तोते उड़ाएंगे, ऐसे तोते उड़ाएंगे, ऐसे तोते उड़ाएंगे। क्या हुआ? तोते उड़ गए। क्या? देखिए जनाब, अगर आप अपनी मूंछ कटवा देना। ओए ओए ओए, क्या बात है, ब्यूटी। ओए ओए, ब्यूटी। मुझे अपनी मूंछों से बहुत प्यार है, समझा? ओ कटवा के दे। मेरी मूंछों को अगर हाथ भी लगाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तो फिर काट दीजिए गर्दन। क्यों? क्योंकि आपकी आधी मूंछ कट गई। क्या? ये क्या किया? गलती हो गई। ये क्या किया? गलती। अबे गलती के बच्चे, कल मेरी बहन की मंगनी है और तूने, अबे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? बंबई जाएगा, बंबई जाएगा, तो क्या हुआ? तोते उड़ाएगा। ये देखो, ये ले। और भाभी अब क्या कर रही है? भाभी 10 दिन का खाना एक दिन में खिला दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, इस हवा में अच्छा हजम होता है खाना, तू खा ले। भाभी वो देखो। ये कुड़ियों की तरह मुखिया छुपा रहा है। बुढ़ियों की तरह? बुढ़िया नहीं, कुड़िया कुड़िया, मतलब लड़कियों की तरह शर्मा रहा है नालायक। 26 साल की उम्र में मुझसे कटवा दी, ये देख 60 साल की उम्र है। चला तटा खाना का। नहीं भाऊजी, सब हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? कोई नहीं हंसेगा, खबरदार जो कोई हंसा। चल तू हटा हटा। चल पुत्र चल। क्या चलूं बाबूजी, पहली चाल में खेल खत्म, ये शय और मां दोनों एक साथ। तू कैसे चल रहा है? चाल तो मेरी थी। नहीं बाबूजी, चाल मेरी थी। तू हमेशा की तरह बेईमानी कर रहा है, चाल मेरी थी। बाबूजी चाल मेरी थी। तू झूठ बोल रहा है, डायरी में क्या लिखा है? देख चाल मेरी, डायरी में कुछ भी लिखा हो, चाल मेरी थी। तू देख बेईमानी कर रहा है फिर से, चाल मेरी थी। बाबूजी चाल मेरी थी, चाल मेरी थी। नहीं मेरी थी। एक मिनट, आप दोनों चेस खेल रहे हो और आपको ये तक याद नहीं कि चाल किसकी है? याद है ना,
डायरी में तरीके साथ लिखा हुआ है, 3 महीने पहले आखिरी चाल ये चल के गया था। ये खेल 3 महीनों से चल रहा है? नहीं दीदी, 1.5 साल से। 2-4 महीनों में जब भी चाचू यहाँ पर आते हैं, थोड़ा खेलते फिर भाग जाते हैं। अरे बेटा, इसीलिए तो मैंने डायरी में लिख रखा है, बहुत बेईमान है ये। मैं बेईमान हूँ? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या हो, ठीक है? ये चाल बाऊजी की है, बाऊजी आप चलिए। ओके कम ऑन किड्स, लेट्स गो। 1 2 3 चलिए चलिए। मैंने कहा तो बात नहीं मानी, उसने कह दिया तो चलिए, बड़ी बात मानता है उसकी। अब क्या बात कर रहे हैं बाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है पुत्र, जाके आईने में सूरत देख, तेरी आंखें बता रही हैं बहुत प्यार करता है तू उसे। ये लो संजना, कल मेरी मंगनी पर अगर शर्ट पैंट की बजाय तुम ये कपड़े पहनोगी ना, तो बहुत सुंदर लगोगी। अरे बच्चों, क्या मस्ती हो रही है, और तुम लोगों को सुबह उठना है कि नहीं जल्दी? संजना तुम क्या कर रही हो? छुटकी ने मुझे एल्बम दी है, बस वही देख रही हूँ। तुम देख रही हो या पहचान भी रही हो? क्या मतलब? तो बताओ ये कौन है? अरे ये शेखर है। शेखर? क्यों नहीं है दीदी, ये शेखर चाचू की तस्वीर है इसलिए, या शेखर चाचू नंगे इसलिए। हे, सिर्फ बड़ों की तरह बातें करनी आती है, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते? नहीं खेल सकता ना दीदी, अगर मैं जरा सा भी खेलता हूँ तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा, बहुत बहाने बनाने आते हैं आपको। नहीं संजना, ये ठीक कह रहा है, डॉक्टर ने इसे खेलने कूदने से मना किया है। डॉक्टर? क्यों भाभी? मेरे दिल में सुराख है ना, इसलिए। क्या तुम्हारे दिल में सुराख है? इतना बड़ा नहीं जितना आपने कहा, इतना आसा है, एक ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने इतने सारे पैसे मांगे, इसीलिए तो चाचू शहर गए रुपया कमाने के लिए। जानती हो दीदी, मेरे चाचू कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है कि वो शहर से इतने सारे रुपए जाकर कमा कर लाएंगे और फिर मेरा ऑपरेशन कराएंगे, ताकि मैं मुन्नी और राजू के साथ खूब खेल सकूँ। देखना दीदी, फिर ऐसा होगी ना तो मैं मुन्नी और राजू को दोनों को हरा दूंगा, क्यों माँ? हाँ बेटा। पालम बीच से इंस्पेक्टर चतुर्वेदी का फोन आया था, वो पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पर मौजूद था, लेकिन शेखर वहां पहुंचा ही नहीं। पहुंचा ही नहीं? अजीब मुसीबत में डाल दिया इस कमबख्त ने। सर क्या हुआ? अरे होना क्या है, कमिश्नर साहब की साली हनीमून मनाने पेरिस गई थी, वहां ये साहबजादे उनसे टकरा गए गाइड बनकर, पेरिस घुमाते घुमाते हार गुम कर दिया। बहुत अच्छे, कमिश्नर साहब की बीवी ने कमिश्नर साहब का जीना हराम कर रखा है और उन्होंने मेरा। शेखर अगर पालम बीच नहीं पहुंचा तो रास्ते में शामला कोट पर उतर सकता है, गांव है उसका। बहुत अच्छे, ये अच्छी बात नहीं है, उसके घर वाले बहुत शरीफ लोग हैं, उन सब के सामने उसे गिरफ्तार करना होगा। Yeah.
मुझे नाचना आचना नहीं आता। ओए पुत्र, ओए नाच। अरे तेरे बहन की मंगनी है, तुझे तो नाचना ही पड़ेगा। हाँ तो बड़े भैया को नचाओ ना। क्यों, वो तेरी बहन नहीं है क्या? सिर्फ बड़ा भाई ही नाचेगा, चल नाच। नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। नच नच के दिखाऊं आ मुझको गले से लगा, सबको नचाऊं नच नच के दिखाऊं आ मुझको गले से लगा, मुंडे से जरा आंख लड़ा, मुंडे से जरा आंख लड़ा, ओए तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा सोनिए। सजा के सेहरा पारा लेके आओ, दुल्हन तुझे बना के डोली में लेके जाओ, अलबेल मेरे तन्हा अकेले अब कटती नहीं रतिया, जर हर जय जल छोड़ तलाय सब देखती है सखिया, तू मेरी गल मान जा, 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 मान जा। कह दो ये बीच में न आए, बन जाए मेरी साली, जीजा मुझे बनाए, तेरे संग तेरे कुछ नहीं ढंग ना ऐसे बात बढ़ा, मुझे करना तो तंग अब बंद कर, जंग आपन के दुल्हन घर आ, तू मेरी गल मान जा, 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 आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा, सबको नचाऊ नच नच के दिखाऊ आ मुझको गले से लगा, पूरी की तरह ना शर्मा, मुंडे से जरा आंख लड़ा, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा।
बताओ जी। आओ जी। आपकी लस्सी। बैठे बेटा। कहाँ खो गए थे आप? और ये खेतों में शेखर क्या कर रहा है सुबह सुबह? कभी न पूरा होने वाला सपना देख रहा है। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। ये जो सारे खेत देख रही है ना बेटा, सब कभी हमारे थे, लेकिन रुपयों की जरूरत की वजह से धीरे 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 सब गिरवी हो गए। अब इन्हें छुड़ाना तो हमारे बस की बात नहीं बेटा। अब लाखों रुपए हम कहां से लाएं? लेकिन ये पगला जिद किए बैठा है, ये उन्हें छुड़ा के ही रहेगा। सब पैसों के इंतजाम के लिए बेचारा शहर में न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता होगा। बेटा जब ये यहां नहीं रहता है ना, तो परिवार वाले इसकी कितनी चिंता करते, कितना याद करते, मेरी तो ये सुनता नहीं। अब तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारी सुन ले। अब शहर में कोई लॉटरी तो लगने वाली है नहीं, यहां अपने भाई के साथ मिलजुल के काम करेगा तो कम से कम इस घर को तो छुड़वा लेगा। अब तू ही बता, छुटकी की मंगनी हो गई, अब ये घर भी हाथ से निकल गया तो उसकी शादी कहां होगी, कैसे होगी, तू बता। ब्यूटीफुल ना? जानती हो, ये सरसों के फूल हैं। ये जब पूरी तरह खिल जाते हैं तो इसमें से बीज निकलते हैं जिससे सरसों का तेल बनता है। Really? लेकिन ये खेती सिर्फ 3 महीने तक रहती है, बाकी हम इसमें कनक उगाते हैं। कनक? गेहूं। तुम खेतीबाड़ी के बारे में काफी जानते हो। पहले बड़े भैया और दादाजी के साथ यही काम करता था। ऐसे क्या देख रही हो? तुम मुझे पागल और बेवकूफ कहते हो ना, क्योंकि मैं अपनी खोई हुई चीज वापस लेने के लिए इतनी दूर चली आई, लेकिन तुम भी अपने इन खेतों को वापस पाने के लिए शहर में मारे मारे फिरते हो ना। नाउ टेल मी, तुम में और मुझ में फर्क क्या है? तुम भी मेरी तरह पागल और बेवकूफ हुए ना। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं शेखर, तेरे लिए मिस यू नो, फिर तुम उनसे दूर कैसे रहते हो? ऐसे ही हूं मैं। मत रहो ऐसे, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना प्यार मिलता है। अब मुझे ही देख लो, मेरे पास सिर्फ एक राहुल का प्यार ही तो था, वो भी छिन गया। तुम्हें तो तुम्हारे खोए हुए खेत शायद मिल भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा खोया हुआ प्यार कभी वापस मिलेगा। जरूर मिलेगा संजना, मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारा राहुल। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, और ये एक दोस्त का वादा है कि वो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस जरूर दिलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जो ये खेत वापस लेने हैं, घर छुड़वाना है, पप्पू का इलाज करवाना है, इसका कोई इंतजाम भी किया है या शहर में तुम्हारी कोई लॉटरी लगने वाली है? अब क्या बताऊं संजना, लॉटरी तो लगी चुकी थी मेरी, वो भी 20-22 लाख की। कैश हो जाती तो मुड़कर दोबारा शहर नहीं लौटता, यहीं रहता आराम से अपने घर वालों के साथ। लेकिन मेरे पैरों में भी चक्कर है, अभी और धक्के खाने हैं मुझे।
साली वो लॉटरी की टिकट ही खो गई। कहीं तुम्हारी वो लॉटरी की टिकट ये तो नहीं? ये संजना तुम ऐसी ही हूं मैं। सर पिछले 12 घंटों से हम लगातार चले जा रहे हैं, रास्ते में रुककर कुछ खा लें। अरे तुम्हें भूख लग रही है, पहले क्यों नहीं बताया यार? अब भूख से मरने का वक्त आ गया है इसीलिए बता रहा हूँ। तुम भी कमाल करते हो, बहुत तकल्लुफ करते हो यार। लो चने खाओ। हाँ लो, शर्माओ मत। कुछ फर्क पड़ा? हाँ सर, पेट भर गया। हाँ देखा, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे गुरु। बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है ना? अरे कम से कम अब तो स्पीड बढ़ाओ, ऐसा ना हो हम गांव पहुंचे और वो गांव से निकल गया हो। सॉरी सर, मैं आपको इस वक्त एक ही रूम दे सकता हूँ। क्या करें संजना, एक ही रूम मिल रहा है। यस, क्या कर सकते हैं। ओके ले लो। सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या कार्ड? ओके मिस्टर कुमार मंगत। शेखर, आर यू श्योर राहुल मुझे मिल जाएगा? अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो। अच्छा ये बताओ, राहुल से मिलने पर क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं उसे खींच कर एक पंच मारूंगी और उस मीशा की तो मैं बॉल नोच लूंगी। राहुल ने भी कुछ ऐसा सोच रखा होगा कि जिस दिन तुम उससे मिलोगी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करोगी, लेकिन तुम उसे इस बात की तसल्ली मत होने देना। अगर उसे यह एहसास हो गया कि तुम उसके बिना जी नहीं सकती तो वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। वैसे भी कभी किसी को यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि कोई किसी से कितना प्यार करता है, बल्कि तुम उसे यह महसूस कराना कि तुम उसके बिना पहले से ज्यादा खुश हो और उसी तरह तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया है। किसी और से? किससे? मुझसे। तुमसे? हाँ संजना, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुम यहाँ राहुल के लिए नहीं, मेरे लिए आई हो। हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये नाटक अच्छा रहेगा। अच्छा सुनो, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहला हमला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कल जब राहुल बीच पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से बैठा होगा तुम अचानक हमला बोल देना। संजना। हाय राहुल। संजना तुम अचानक यहाँ? hey, ये निशा है ना? हाँ ये निशा। ये हाँ संजना, आई एम निशा। संजना वो सी राहुल। तो तुम ही हो जिसने मेरे राहुल को मुझसे चुराया है। मैंने किसी को नहीं चुराया, ये खुद चोरी हो गए। स्मार्ट गर्ल, गुड चॉइस राहुल। संजना तुम मुझे अलग अलग, आई मीन बदली बदली सी लग रही हो। ऑफ कोर्स नॉट राहुल, मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ। पता है जब तुम्हारा फोन आया था कि तुम वापस नहीं आ रहे, मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें उस सुपर बिच के हाथों में से मैं डेफिनेटली निकालूंगी, सॉरी। और तुम्हें पता है I hate flying, लेकिन फिर भी मैं फ्लाइट में बैठी और सारे रास्ते मैं सिर्फ यही सोचती रही कि किसी भी ऐसी वैसी लड़की के साथ तुम्हारा ब्याह कैसे हो सकता है। हाँ? But I was wrong.
I was so wrong. प्यार कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. संजना, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ राहुल, जिस तरह तुम्हें निशा मिली ना, उसी तरह प्लेन में मुझे शेखर मिल गया. शेखर? हाँ शेखर, वो जादू है, वो नशा है, उसे पहली मुलाकात ने मुझे अपना दीवाना बना दिया. And you know, जिस तरह मैं उसके लिए फील कर रही हूँ, इतने दिनों में मैंने तुम्हारे लिए इस तरह फील कभी नहीं किया. It's amazing. I'm in love. मैडम आपके लिए फोन. ओह थैंक्स. हेलो संजना. शेखर डार्लिंग, बोलो बोलो. तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही मुस्कुरा रही हो. हाँ. चलो उठो अभी वहां से. पांच मिनट में अभी आई. नहीं अभी. ओके ओके आई एम कमिंग. बाय बाय राहुल. ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी. अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को खुश देखकर कुछ नर्वस हो गए. उसकी लव स्टोरी से जलन हो रही है. कम ऑन निशा, मुझे क्यों जलन होने लगी? व्हाई शुड आई? कम ऑन, लेट्स एंजॉय. यस यस यस. ओह गॉड, मुझे अचानक अपने सामने देखकर राहुल की हालत देखने लायक थी और हमारी लव स्टोरी सुनकर तो वो ऐसे जल रहा था कि ओह माय गॉड शेखर, यू आर ग्रेट. क्या आइडिया दिया है तुमने. क्या सोचेंगे? जो लोग सोचते हैं वो हम क्यों सोचें? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो, जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो. ओके. आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर. आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर. बहारों का समा है, हमारा दिल जवा है, ये पैरी जमाना चले तो चले. आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर. आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर. बहारों का समा है, हमारा दिल जवा है, ये पैरी जमाना चले तो चले. आशिक हूँ मैं जाने जिगर. Thank you.
कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूं ऐसे न क्यों पूरी सहूं Shark, oh my god! Oh my god! Rahul, there's a shark! Rahul, hurry up! Rahul, swim faster, Rahul! Oh god! Rahul, hurry up! Rahul! Come on, Rahul! Come on, आशिक हूँ मैं जाने जिगर मुझे देख ले बस एक नजर आशिक हूँ मैं जाने जिगर मुझे देख ले बस एक नजर पहाड़ों का समा है हमारा दिल जवां है ये पैरी जमाना जले तो जले जले तो जले ये पैरी जमाना जले तो जले It was so funny, ne? I know. Bora Rahul, wahan pe. Come on. Hey, aha! Tum log, hain? Kya baat hai? Mujhe pata tha tum dono ka chakkar zarur chal jayega. Nahi, nahi, Mangal ji. अरे छोड़ो क्यों शर्मा रहे हो यार कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है मंगल जी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स आई यू नो वन थिंग लवर्स आर लायर्स घर से तो निकलते ही ये कहकर कि कॉलेज जा रहे हैं लेकिन गर्लफ्रेंड को लेकर सीधे सिनेमा हॉल में घुस जाते हैं मैं भी जवानी में यही किया करता था और जब पकड़ा जाता था ना मंगल जी हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इनका प्यार मैं नहीं वो रहा लेट्स गो ओके कम वो आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी ओके शेखर राहुल चला जाएगा चलो बाय 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 सी यू मंगत जी मंगत मेरा नाम है वो तुम्हें कैसे पता चला कैसे पता चला अरे आपका नाम तो क्या आपका एड्रेस भी जानता हूँ इसी शहर में रहते ना आप कैसे पता चला तुम्हें अरे अभी अभी कचरे के डब्बे के पास ये आपका क्रेडिट कार्ड मिला ये अभी मिला हाँ लाख रुपए का चूना लग गया उसके बाद तुम्हें ये क्रेडिट कार्ड मिला ये अच्छा नहीं ये कैसे सुनो ना ये कैसे नेचुरली और ये तुम्हें हाय राहुल पहुंचाएंगे हम यहां से दुकानें लूटने आए हैं चुपचाप नीचे बैठे रहो अगर हमारे खिलाफ कोई भी गया तो अपनी जान से जाएगा कहता हूं बा
इस जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारा यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। अपनी सलामती चाहते हो तो हथियार फेंक कर चुपचाप बाहर आ जाओ और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मेरा जवाब देख लिया इंस्पेक्टर? अगर तुम में से किसी ने भी अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं यहाँ लाशों के ढेर बिछा दूंगा। अपने आदमियों को यहाँ से लेकर चले जाओ। तुम यहाँ से जाते हो या इसे गोली मार दूं? आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा। होशियार समझती थी, बट नो, यू आर एन इडियट। बिल्कुल पागल हो तुम। ऐसा ही हूं मैं। क्या हो, क्या गया था तुम्हें अचानक? हाँ, और इस तरह अपनी जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है शेखर? हर बात को कहकर बताना जरूरी है? तुम में और राहुल में कितना फर्क है। काश राहुल तुम्हारे जैसा होता। वो प्यार के रिश्ते को जानता भी नहीं और तुम दोस्ती के रिश्ते को भी कितनी अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम समझ गए ना क्या करना है? यस मैडम। ओके गुड। सर, आपके लिए फोन। मेरे लिए? यस। आर यू श्योर? श्योर डार्लिंग, मैं भी आता। हाय निशा। ओह हाय। आज आप अकेले? आज आप भी तो अकेले हैं, इसलिए अकेला चला आया। वैसे वो आपका बॉडीगार्ड कहाँ है? हेलो राहुल बेटे, कैसे हो? कौन? अबे गधे, हम निशा के डैडी बोल रहे हैं। ओ अंकल, नमस्ते अंकल। जीते रहो। आपकी नजदीकी नजर कमजोर है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आप जैसी हूर ने राहुल जैसे लंगूर को इतने नजदीक रखा हुआ है। वैसे उसकी शक्ल देखकर ऐसे नहीं लगता जैसे कोई नेता इलेक्शन हार गया हो। निशा, वैसे मुझे एक फूल पसंद आ गया है। तुम निशा के डैडी नहीं हो सकते। शराब। यार
राइट तुम्हारा मशहूर आ रहा है मेरे साथ देखेगा तो खुदकुशी कर लेगा सी यू बाय ये क्या कर रहा था यहाँ पे तुम्हारी तारीफ निशा मैं देख रहा हूँ जब भी तुम इस शेखर को देखते हो तुम्हें कुछ हो जाता है और जब तुम संजना को देखते हो तो निशा मैं शट अप कुछ ज्यादा ही आशिक नहीं हो रहे थे तुम निशा के अरे अरे मैं तो तुम्हारे काम से क्या था अरे सुनो सुनो तो हाँ मेरे काम के साथ अपना भी काम कर रहे थे ना और वैसे भी निशा तो तुम्हें पहले से ही पसंद है अरे बाबा अगर इस गरीब का कहीं चक्कर चलता है तो चलने दो ना वो अच्छी लड़की नहीं है अच्छा अच्छा ये कैसी रहेगी शट अप चुपचाप चलो अब ये तो ठीक ठाक है शेखर मौत पड़ेगी हाँ इसके बारे में क्या ख्याल है अरे अरे निशा अरे वो देखो लिसन लिसन मेरी बात समझ निशा मैडम ये सब मेरी वजह से हो रहा है अब इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए एक आखिरी चाल चलनी पड़ेगी कुमार मंगत Hey, ये क्या कर रहे हो ठीक है कौन है ये साहब आप इनको नहीं जानते ये ठाकुर शेर सिंह जी हैं शेर सिंह जी इस शहर के सबसे अमीर आदमी भिखारियों को भीख देते हैं तो वो भी फ्लैट खरीद लेते हैं लेकिन ये बंदूक क्यों लिए हुए हैं बहुत बड़े शिकारी हैं शेर सिंह जी जब ये जंगल से गुजरते हैं तो इन्हें देखकर शेर चीते डर कर इधर उधर छिप जाते हैं मुझ पर भौंक रहा है गोली मार दूंगा चुप कर कुत्ते के औलाद गट बड़ा हाथी संजना के हाथ पैर क्यों जोड़ रहा अंकल अंकल आप ठीक तो है अचानक सीधे में दर्द शुरू हो गया बेटे मेरे घर तक मुझे पहुंचा दोगे बेटा आओ आओ अंकल स्विमिंग पूल पर जिस लड़की से बात कर रहे थे आप कैसे जानते हैं उसे कैसे जानते हैं उसे अरे हमारे दिल का टुकड़ा है वो नातिन है हमारी और हम नाना है उसके नाना हाँ लेकिन अंकल जहां तक मैं जानता हूँ उसका तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं तो फिर हम कौन है हम और वो कौन है ये संजना नहीं है ये संजना की माँ हमारी इकलौती बेटी रंजना है जिससे हमने रिश्ता तोड़ दिया था जानते हो क्यों क्योंकि इसने एक गरीब लड़के के साथ शादी की थी उस दिन से लेकर आज तक हमारी आत्मा हमें कोस रही है कह रही है कि तू कुत्ता है कमीना है एक नंबर का हराम ज्यादा है तू हमारी बेटी मरते मर गई लेकिन उसने अपना पता हमें मालूम होने नहीं दिया और आज हमारी बेटी रंजना जब संजना का रूप लेकर हमारे सामने आई है तो तुम कहते हो कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं अरे वो हमारा खून है समझ में आया बस अब तो भगवान से एक एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु संजना मुझे माफ कर दे ताकि ये सारी जायदाद में उसके नाम कर दूं और तीर्थ यात्रा पे चला जाऊं क्या हुआ अंकल कुछ नहीं बेटे दिल का दर्द दांतों में चला आया आजा बैठो मुड़ बेटे कुछ अपने बारे में बताओ पहले तुम्हें मैंने यहां नहीं देखा
अंकल मैं बस यहाँ घूमने आया हूँ, शायद आप जानते हो कि मिस्टर रघु जेटली, मैं उन्हीं का मेहमान हूँ। जेटली? हाँ, उसका बंगला हमारे पास ही तो गिरवी पड़ा। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं अंकल, इट्स ऑल राइट। समझता हूँ, लेकिन क्या करें, सर से पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है, बंगला तो नीलाम होगा ही। जेटली? हाँ, उसका बंगला हमारे पास ही तो गिरवी पड़ा है, बंगला तो नीलाम होगा ही। कैसा लगा हमारा बंगला? तुम्हारा बंगला अच्छा है। कुछ बदले बदले से लग रहे हो राहुल, आज मम्मी डैडी के साथ तुम्हारी पहली मुलाकात थी, तुमने ठीक से बात तक नहीं की। वो मेरी तबीयत कुछ खराब है। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो उस दिन से खराब है जिस दिन से संजना यहाँ आई है। हर बात में संजना को बीच में मत लाया करो प्लीज। एनी प्रॉब्लम बेटा? राहुल कुछ नाराज सा दिख रहा है। नहीं मामा, वो कल मेरी बर्थडे पार्टी है ना, तो कह रहा था कि तुमने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सिर्फ उसकी दोस्त को भूल गई। उसकी दोस्त? हाँ, संजना। लगता है अब उसको पार्टी में बुलाना ही पड़ेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शेखर, आखिर निशा ने अपने बर्थडे पार्टी पर हमें क्यों इनवाइट किया? जंग में दुश्मनों को भी वार करने का हक होता है, तुमने उस पे इतने वार किए, अब वो भी तुम पर वार करेगी। You mean to say वो मुझे जलाना चाहती है? तुम जलोगी नहीं तो उसे और तकलीफ होगी। अब जरा सी चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, थोड़ा ज्यादा हो गया। नाइस पार्टी। मधु कृष्णा कम सून। शेखर हाय। हेलो संजना, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू संजना। ओ, मेरे दोस्तों से मिलो, ये है रोमा, मधु और तृष्णा। दिस इज शेखर एंड शी इज संजना। संजना? यू मीन कहीं वही तो नहीं तुम्हारे राहुल की एक्स फियांसे? राहुल ने इसे छोड़ क्यों दिया? कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन अपनी निशा की बात तो कुछ और ही है। अच्छा तू बता, अगर तू राहुल की जगह होती तो किसे चूज करती? ऑफ कोर्स संजना को, और किसे? कम ऑन फ्रेंड्स, संजना डोंट माइंड देम, हैव फन, बाय। हेट ऑफ, आई एम गोना किल ऑफ। जस्ट रिलैक्स, ओके? नो थैंक्स। Dear friends, can I have your attention please? Thank you. Nisha, idhar aao. Rahul bete, tum bhi aao. Come on. Aaj main aap logon ko bahut bada surprise dene wala hoon. Aaj meri beti Nisha ka sirf janmdin hi nahi, balki uski sagai bhi hai Rahul ke saath. What's wrong, Rahul? कुछ नहीं, वो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसे इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे दोस्त को कैसे भूल सकती थी। हाँ,
चलो संजना। इतनी भी क्या जल्दी है शेखर, आज राहुल की एंगेजमेंट पार्टी है। Let's enjoy. तुमने शराब पी है? रिलैक्स शेखर, जंग खत्म हो चुकी है। निशा जीत गई है शेखर और मैं हार गई हूँ। संजना वो कम ऑन शेखर, अब ये मत कहना कि ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठो, ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे डॉल शेखर, मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। चलो संजना। हाय राहुल, बहुत बहुत मुबारक हो। संजना मैं तुम्हें You know something राहुल, You are a bastard. Understand? और वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, वो मंगेतर, she is, you know what she is. इसको भी पता है कि वो क्या है। She is a super bitch. जा रही हो? रुक के भी अब क्या करूंगी मैं? राहुल के बिना खुश रह सकोगी? राहुल के मिलने से पहले भी तो खुश थी मैं, आराम से जी रही थी, सब कुछ तो ठीक था। जानते हो शेखर, इंसान को तकलीफ होती है जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी, राइट? इतना मत मुस्कुराओ संजना, तुम्हारी आंखों में छुपे हुए आंसू बहुत साफ दिखाई देने लगते हैं। बस हार गई। हाँ शेखर, मैं हार गई, थक गई अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते। संजना, राहुल तुम्हें जरूर मिलेगा। कल उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि मंगनी उसने मजबूरी में की है। हाँ संजना, मंजिल तुम्हारे बहुत पास आ चुकी है, अब रास्ता मत बदलो, वो देखने की कोशिश करो जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्या? मैं देख रहा हूं कि राहुल तुम्हारे साथ पेरिस वापस जा रहा है। मेरी तरफ मत देखो संजना, अपनी आंखें बंद करो। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। प्लीज संजना, बंद करो आंखें। अब देखो वो घर तुम्हें दिखाई दे रहा है जो तुम खरीदना चाहती थी।
इंतजार कर रहा है संजना, जाओ उसके पास। क्या हुआ, आंखें क्यों खोल दी? राहुल तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तो फिर बंद करो ना आंखें।
क्या हुआ? कुछ नहीं। संजना उदास मत हो, जो सपना तुमने अभी अभी देखा है वो सच जरूर होगा। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मैं स्पीक टू संजना। हाँ हाँ, एक मिनट, राहुल का फोन है तुम्हारे लिए, कम ऑन। हेलो 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 संजना, कैसी हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ संजू। देखो देखो, इनकार मत करना प्लीज, मुझे कुछ जरूरी काम है। संजू मैं तुम्हारा हैप्पी होली में इंतजार करूंगा। ओके ए हेलो, क्या कहा राहुल ने? वो मुझसे मिलना चाहता है। इतनी खुशी की खबर तुम इस तरह सुना रही हो? क्या हो, क्या गया तुम्हें? कुछ नहीं। तो जल्दी से जाके तैयार हो जाओ और सुनो, चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाओ, लगता है ये हमारे नाटक का आखिरी सीन है। समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू कहां से करूं संजना। जानती हो, वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिलता, लेकिन उनसे भी ज्यादा बदनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें प्यार मिलता तो है मगर वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और उसे खो देते हैं। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं संजना, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। कूल डाउन राहुल, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। इंसान को अपने कल में नहीं आज में जीना चाहिए। अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं? सच बताओ, क्या आज तुम अपने कल को भूल चुकी हो? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो संजना, वरना कल रात मेरे एंगेजमेंट पार्टी में शराब पीकर इतना तमाशा नहीं करती। कल रात मुझे भी एहसास हुआ कि निशा मेरे लिए नहीं बनी, वो एक अलग तरह की लड़की है, और मेरा दिल कहता है कि तुम भी शेखर से प्यार नहीं करती। संजना, तुम शेखर को सिर्फ मुझे जलाने के लिए लाई हो, उसके साथ तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक है। प्लीज मेरी इस गलती को माफ कर दो संजना, मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। आई नीड यू संजू, आई नीड यू। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हमेशा से यही तो चाहती थी कि राहुल मुझे वापस मिल जाए, फिर आज उसके वापस आने पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? कहीं इसलिए तो नहीं कि मुझे शेखर से प्यार हो गया? क्या हुआ? राहुल मेरे साथ वापस चलना चाहता है। मुबारक हो, मतलब कल परसों चली जाओगी? पता नहीं टिकट मिलेंगे या नहीं। टिकट्स की फिक्र मत करो, वो मैं ला दूंगा। अचानक मुझे भगाने की इतनी जल्दी क्यों है? बहुत तंग किया है ना मैंने तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, अब तुम जाओ तो मैं भी गांव जाऊं, बहन की शादी है, फिर अब तुम यहां रुक कर करोगी भी क्या? तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल चुका। बेकार में उल्टा सीधा सोच रही थी, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार जरूर मिल जाएगा। सच्चे प्यार की हार नहीं होती।
जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे बात आकर जुबान तक रुकने लगे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे होने लगे किसी की तरफ दिल झुकने लगे बात आकर जुबां तक रुकने लगे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे होने लगे चाहने जब लगे दिल किसी की खुशी दिल लगी ये नहीं ये है दिल की लगी आंधियों को दबाने से क्या फायदा प्यार दिल में छुपाने से क्या फायदा जा से प्यारा जब दिलदार होने लगे बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे होने लगे हैप्पी बर्थडे उसकी खुशबू अगर अपनी सांसों में हो उसका सपना अगर अपनी आंखों में हो जब न दिल के बहलने की सूरत लगे जब कोई जिंदगी की जरूरत लगे और जीना भी दुश्वार होने लगे बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे होने लगे जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे बात आकर जुबां तक रुकने लगे इकरार होने लगे बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे प्यार होने लगे
शेखर, कल शाम तो मैं चली जाऊंगी, उसके बाद तुम क्या करोगे? मैं तो अपनी मंजिल के सामने खड़ा हूं, कहां जाऊंगा? ये देखो, कल यहां अपना हार बेचूंगा बस, और क्या करूंगा? आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम? कहते हैं कि जब दोस्त बिछड़ रहे हो तो उन्हें मीठा खा के बिछड़ना चाहिए, यादें मीठी रहती है। लाता हूं। सुनो, चने खाएंगे? What? चने सेहत के लिए अच्छे होते हैं। Do we know each other? देखिए ऐसा है, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं। खान कहते हैं मुझे, इंस्पेक्टर खान। मैं उस हार के सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हार? या दैट डायमंड नेकलेस जो शेखर पेरिस से चुरा कर लाया है, उसे एयरपोर्ट के बाहर आप ही ने निकाला था ना? वो हार? हाँ वो हार। वो हार मुझे चाहिए संजना, वरना शेखर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा, एक आध साल की सजा हो जाएगी, और अगर अगले महीने वो छुटकी की शादी में नहीं पहुंच पाया तो इसका सबसे ज्यादा अफसोस मुझे होगा, क्योंकि आप ही की तरह वो मेरा भी दोस्त है। तो फिर इस सिलसिले में आप उसी से क्यों नहीं बात करते? मेरी बात उसकी समझ में नहीं आएगी, और दूसरा तरीका जो हम पुलिस वालों का होता है वो मैं उसके साथ अपनाना नहीं चाहता, इसलिए तो तुम्हारी मदद मांग रहा हूं। शेखर वो हार देने के लिए कभी नहीं मानेगा। तुम्हें उसे मनाना होगा संजना, वरना मजबूरन मुझे उसे मैं इस होटल में ठहरा हूं, मुझे फोन कर लीजिएगा, कल तक वो हार मुझे मिल जाना चाहिए। हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज। सुबह बेचना है ना, इसलिए हीरो को जरा चमका रहा हूं। यू नो संजना, अगर सही दाम मिल गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेखर, तुम्हारी बजाय अगर मैं ये हार बेचने जाऊं तो? तुम? हाँ, मैं लड़की हूं, फॉरेन से आई हूं, आसानी से बेच सकती हूं, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। हेलो सर, दिस इज संजना स्पीकिंग। कौन? संजना? कैसी हो बेटी? आई एम ओके सर। सर मैं कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ। वेरी गुड सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। व्हाट? लेकिन अचानक तुम्हें? वो सब हो जाएगा लेकिन। अच्छा ठीक है, बाय। ये लड़की बिल्कुल पागल है। ये क्या किया तुमने संजना? तुम इस लायक नहीं हो राहुल कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। संजना, संजना प्लीज रुक जाओ। संजना तुम अपने प्यार को छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। कल तक मैं भी यही सोचती थी कि तुम मेरा प्यार हो, लेकिन तुम्हारे दूर जाने के बाद मैंने पहली बार जाना कि तुम सिर्फ मेरी पसंद थे। वो पसंद कब जिद बनी और जिद कब बदला मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन उस दिन जब तुम वापस आने के लिए
मेरे पैरों पर अपना सिर रख कर रोए ना, मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा कि मेरा बदला पूरा हो गया है। गुड बाय राहुल। संजना, संजना मेरी बात तो सुनो। संजना, संजना, संजना रुक जाओ। संजना, संजना ये क्यों नहीं कहती कि अब तुम्हें उस शेखर से प्यार हो गया है? हाँ राहुल, तुम्हें पाने के लिए मैं उसे अपने साथ नाटक करने के लिए लाई थी। बहुत देर बाद एहसास हुआ कि वो नाटक नहीं, प्यार था। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, तुम्हारी वजह से मैं उसे ये भी नहीं कह सकती कि मैं उसे प्यार करती हूँ। I hate you, राहुल। I really hate you. संजना, तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो, मुझे गालियां दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ संजना, प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा संजना। I really love you, संजना। Oh, stop it, राहुल। शेर सिंह से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्या? मुझे कोई दौलत नहीं मिलने वाली। मैं कल जो थी आज भी वही हूं। डरो मत, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा क्या नुकसान हुआ है? तुम्हारे साथ जाने के चक्कर में निशा से पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके पास, क्या कहूंगा उससे? यू नो समथिंग राहुल, यू आर अ बास्टर्ड। थैंक यू संजना। ये लीजिए मिस, पूरे 14,65,000 रुपए। थैंक यू सो मच मिस्टर गोयल। नहीं, ये तो आपके अपने रुपए हैं। आई नो, लेकिन मुझे ये रुपए पेरिस में नहीं, यहाँ चाहिए थे, और सिर्फ मेरे बॉस के कहने पर आपने इतनी जल्दी अरेंज कर लिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। ओके मिस्टर खान, सी यू। संजना जी, मुझे नहीं लगता दोबारा कभी शेखर से तुम्हारी मुलाकात भी होगी। फिर अपनी जिंदगी की सारी जमा की हुई पूंजी उसे क्यों देकर जा रही हो? आपने कभी सपने देखे हैं मिस्टर खान? मैंने देखे हैं, और उन्हें टूटते हुए भी देखा है। बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं चाहती हूं कि शेखर का सपना कभी ना टूटे। ये ऊपर वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अजीब है। किसी को रुपए देता है तो उसको घर की जरूरत ही नहीं बचती, और जिसे जरूरत होती है उसे रुपए नहीं देता। एनीवे, बाय बाय, सी यू। खुदा हाफिज। हर इंसान को जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए। प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। बहुत अच्छे सर। थैंक यू संजना। मैं चलूं? राहुल मेरे लिए एयरपोर्ट पे वेट कर रहा होगा। ओके। याद है शेखर, जब मैं आई थी तो क्या सोचती थी? क्या? यही कि इंडिया बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ के लोग अच्छे नहीं। I was wrong. यहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा अच्छे तो तुम हो। ओके? अपना ख्याल रखना। तुम भी।
शेखर, कितनी सिगरेट पीते हो तुम? पता है सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। शेखर भागो नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। जिस हार के लिए तुम्हें गिरफ्तार करना था वो हार तो मेरे पास है। यही सोच रहे हो ना कि जब ये हार मेरे पास है तो इस हार की कीमत तुम्हारे पास कैसे आई? वो हार की कीमत नहीं है शेखर, वो तो उस लड़की की जिंदगी भर की जमा पूंजी है जिससे वो अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहती थी। भाई माफ करना, मैं तो तुम्हें बड़ा छोटा मोटा चोर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े चोर निकले। उस मासूम सी लड़की का दिल चुरा लिया, उसका जिंदगी भर का चैन और सुकून चुरा लिया, और उसके सामने चोरी का इकरार तक नहीं किया। वो देखो, वो प्यार नहीं है, प्यार वो है जो संजना तुमसे करती है। बहुत प्यार करती है वो तुमसे, ऐसा प्यार बहुत कम खुशनसीबों को मिलता है। इस प्यार को अपनी जिंदगी से दूर मत जाने दो दोस्त, रोक लो उसे। अरे सुनो, मेरी गाड़ी ले जाओ और ये चने खाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। संजना, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, और ये एक दोस्त का वादा है कि वो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस जरूर दिलाएगा। संजना, तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है। किससे? मुझसे। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है शेखर? हर बात कहकर बताना जरूरी है? उदास मत हो संजना, जो सपना तुमने अभी अभी देखा है वो सच जरूर होगा। लगता है ये हमारे नाटक का आखिरी सीन है। मैडम, मैडम वो पेरिस वाली फ्लाइट, वो तो अभी टेक ऑफ होने वाली है। छोड़ दो मुझे। सुनो, मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है? व्हाट्स द मैटर? हू इज दिस मैन? सर, ये आदमी अंदर जा रहा था।
प्लीज सर, सर इस प्लेन को रुकवा दीजिए, एक बार मुझे उससे मिल लेने दीजिए सर, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। सर अगर आज मैं उससे अपने प्यार का इकरार नहीं कर सका तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकूंगा सर। सर प्लीज सर। व्हाट सर? ये प्यार का मामला है सर? सर जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से आपने भी जरूर प्यार किया होगा सर। सर मेरी खातिर ना सही, प्यार की खातिर मेरी मदद कीजिए। प्रसाद पायलट से फौरन मेरी बात करवाओ। बट सर ऐसा शट अप, छोड़ो छोड़ो इनको छोड़ो। देश भी अच्छा है, यहां के लोग भी अच्छे हैं, तो जाना जरूरी है क्या? इतनी सी बात कहने में इतना वक्त लगा दिया, क्या करूं संजना, ऐसा ही हूं मैं। Okay.